दिल धड़क रहा ना आपका भी, वोट तो पड़ गए, इम्तिहान खत्म, अब नतीजों की बारी। 23 मई सुबह 6 बजे से लगातार आपके मोबाइल पर यूपी तक पर। दोनों में बड़ी टक्कर है, अधिकार नेताओं ने अपहरित कर लिया है, वो अधिकार जनता को मिल जाए। बीजेपी जीतेगी। क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में, किसको वोट देना चाहिए? यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं और गमछे से लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं, लेकिन और भी लोग खड़े हैं, इनसे बात। नगर पालिका परिषद के पास खड़े हैं, यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं और गमछे से लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं, लेकिन और भी लोग खड़े हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या मिजाज है इनका और 19 तारीख को ये कहाँ वोट करने जा रहे हैं। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम चंद्रिका यादव। चंद्रिका जी, क्या मुद्दा है इस बार, कहाँ वोट जा रहा है? वोट तो हम लोग गठबंधन को देंगे। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा क्या है? अरे मुद्दा ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठ बोल करके जो है काले धन के नाम पर, नोटबंदी के नाम पर, विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने के नाम पर ये झूठ बोल करके गुमराह किए थे जनता को। और पिछली बार सरकार ने जो विकास किया, जहाँ खड़े हैं ये समाजवादी पार्टी का रोड है, तो हम लोग गठबंधन को वोट देंगे और इस भारतीय जनता पार्टी को जितना हो सकेगा हम लोग हटाने का प्रयास करेंगे। एक अफवाह आ रही है, आप समाजवादी पार्टी से हैं, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक अफवाह ये आ रही थी, हवा उड़ रही थी कि इस बार साइकिल यहाँ पर नहीं है तो वोट कैसे पड़ेगा? अब एक चीज़ जानिए, आप पढ़े लिखे हैं, जब भी कहीं समझौता होता है तो समझौता के तहत ये जो गठबंधन हम लोगों को गाजीपुर में जो चुनाव चिन्ह है हम लोगों का हाथी रहेगा। कहीं ना कहीं समझौता दूसरे जगह जहाँ होगा वहाँ साइकिल होगा, तो ये लोग बहका रहे हैं कि यहाँ साइकिल चुनाव चिन्ह नहीं है तो लोग नहीं देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग हाथी को वोट देंगे और 100% लोग देंगे। चंद्रिका जी, समझौता क्या, किसके बीच समझौता? भाई समझौता गठबंधन का समझौता है कि हम मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। इस आताताई सरकार से लड़ने के लिए जिन लोगों ने इस तरह का, जैसे पुलवामा हमला हो, अभी आप बताइए कि 45 टन सोना जब चंद्रशेखर जी के जमाने में रखा गया था तो इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, आज 268 टन सोना रख दिया गया। ये तो सोशल मीडिया की बात है, चलिए आपकी बात है। आप एक बात बताइए, आपने अकेले 39 सीट जीती थी उत्तर प्रदेश में, मुलायम सिंह जी ने कहा जी। और ऐसा क्या हो गया कि आप जो है वो गठबंधन करना पड़ गया? ऐसा कुछ नहीं है, हम जो लड़ाई हम लोगों की है इस भारतीय जनता पार्टी से, इन लोगों ने संविधान को फूंक डाला, संविधान को मानने को तैयार नहीं है, ये आरक्षण को मानने, आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो आरक्षण के मुद्दे पर, संविधान के मुद्दे पर, लोकतंत्र के मुद्दे पर, जनता के सवाल पर हम सभी लोगों ने मिलकर ये तय किया है, 39 का बात नहीं है, हम सब लोग एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, ऐसी ब्रिटिश सरकार को रोकने के लिए 39 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक होकर हम लोग गठबंधन को थी ना उत्तर प्रदेश में थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या नाम है भैया? आइए सामने आइए। लड्डन खान, कार्यालय सचिव, समाजवादी पार्टी के कार्यालय सचिव। लड्डन, इस बार क्या मुद्दा रहेगा? हैं? क्या ये मुद्दा कुछ नहीं रहेगा, ये भाजपा निकम्मी सरकार के हम लोग उखाड़ फेंकना चाह रहे हैं। आपका वोट जाएगा हाथी के निशान पर, माननीय अफजल अंसारी के यहाँ। आपका क्या नाम है भाई? जी राहुल सिंह। राहुल, क्या करते हैं राहुल? जी हम लोग छात्र राजनीति करते हैं। अच्छा, राहुल क्या मुद्दा रहेगा इस बार गाजीपुर का? जी हम लोग गरीब किसानों की लड़ाई जो लड़े उसके साथ हैं, और हम ये भी चाहते भी हैं कि जो भाजपा सरकार गरीब किसानों को दबाने का काम कर रही है, गरीब मजलूमों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, उसके खिलाफ वोट करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी खास तौर से जो गाजीपुर के सांसद हैं मनोज सिन्हा, वो केंद्रीय रेल राज्य मंत्री और संचार राज्य मंत्री हैं और बहुत हजारों करोड़ की परियोजना यहाँ चला रहे हैं, क्या उसका कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पे? जी योजना तो चला रहे हैं, यही स्टेशन पे आप देखेंगे एक बार टाइल्स लगी, पत्थर लगा, फिर उसी पत्थर को सीधे 3 महीना भी नहीं बीता उखाड़ करके फिर वहीं लगाया गया। उस योजना में तमाम घोटाला भी हुआ है, और घोटालों के साथ साथ आज गरीबी स्थिति पे आ चुका है। जो गैस सिलेंडर मिलता था 450 का, वो सिलेंडर आज 1000 रुपया का मिल रहा है। मिट्टी का तेल 2014 में 13 रुपया लीटर मिलता था, आज वो तेल 36 रुपया लीटर मिल रहा है, तो गरीब कहाँ जाएगा? इस गरीब की लड़ाई को बचाने के लिए और गरीब को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम तमाम युवा भाजपा को हराने का काम करेंगे। हमारे साथ खड़े हैं, देखिए जिले के एक बुद्धिजीवी हैं,
मैं अगर आपसे परिचय प्राप्त पूछना चाहूँगा। यूस महाराज नाम है। यूस जी जी, इस बार की लड़ाई क्या है, क्या मुद्दा है? देखिए, लड़ाई तो ये होनी चाहिए कि जनता को किस तरह से अधिकार मिल जाए। जो सारा अधिकार नेताओं ने अपहरित कर लिया है वो अधिकार जनता को मिल जाए। नेताओं ने जो पावर हासिल किया संविधान से उसमें बदलाव कर दिया जाए और वो पावर जनता को सीधा दे दिया जाए। जनता इनसे बराबर दुखी थी और दुखी रहेगी आगे भी, क्योंकि जब तक शासन स्वयं आपका नहीं होता है तब तक आप कैसे अपना भला कर सकते हैं। सर, इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे, विकास या गठबंधन? देखिए, इस बार तो करीब करीब तो ये जो चुनाव बीत ही चुका है जी, जी। एक ही चरण बाकी है जी, गाजीपुर का चुनाव 19 को है, तो एक ही चरण का चुनाव बाकी है। और विकास का मतलब क्या होता है ये परिभाषा भी बिगाड़ दी है एक तरह से। विकास का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ ढांचागत विकास को सिर्फ विकास नहीं कर सकते। जनता का राजनीतिक विकास क्या हो रहा है, क्या जनता सिर्फ वोट देने तक ही सीमित रहेगी या जनता को कानून बनाने का भी अधिकार कभी मिलेगा? तो विकास का मुद्दा यह होना चाहिए कि जनता को कानून बनाने का अधिकार मिलना चाहिए, सिर्फ रोड खड़ंजा या नौकरी से मतलब नहीं है। आपका शुक्रिया। मैं अवधेश सिंह, जनता राज पार्टी का संगठन मंत्री राष्ट्रीय। अवधेश जी, क्या लगता है इस बार गाजीपुर का मिजाज क्या है? अभी पूरे देश का ही मिजाज माने परिवर्तन का है। माने परिवर्तन किधर, सारे मैं बड़े बड़े गर्व से यह कह रहा हूँ कि गाजीपुर में कोई ऐसा विधायक बता दे जिसने कमीशन न लिया हो। और वह बहुजन में भी लिया गया, वह भाजपा में भी लिया गया और वह सपा में भी लिया गया। किसी की भी सरकार में पीडब्ल्यूडी का कोई ठीका बिना 40% कमीशन के क्या हुआ? स्टोनों से लेकर चपरासी से लेकर पीडब्ल्यूडी के मंत्री तक क्या वह कमीशन नहीं जाता? क्या वह सपा में नहीं गया? क्या वह भाजपा में नहीं गया? आपका मुद्दा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा है, दूसरा मुद्दा बेरोजगारी है, तीसरा मुद्दा है जनता को अधिकार का है। कुछ भी जो थोड़ा बहुत कार्य होता है, नेताओं ने जनता को अफीमची बना दिया है, नेताओं ने जनता को हीरोइनबाज बना दिया है। वो ढूंढ रही है कौन नेता आएगा कि एक कुछ हीरोइन हमको देगा, कुछ हैंडपंप वाला हीरोइन या कुछ पाउच वाला हीरोइन या कुछ पैसे वाला हीरोइन। कोई लीडर नहीं है गाजीपुर में, गाजीपुर में कोई लीडर पैदा ही नहीं हुआ। लीड माने होता है राह दिखाना और लीडर माने होता है राह दिखाने वाला। और मैं और जनता सब यह देख रहे हैं कि सारे राह भटके हुए हैं और जो खुद राह भटका हुआ है वह राह क्या दिखा सकता है। इन सारे व्यवस्थाओं को देखते हुए जनता तो विकल्प ढूंढ रही है, लेकिन जनता में संकल्प का अभाव है जिस कारण से परिवर्तन व्यवस्था में नहीं हो रहा है। जिस दिन जनता संकल्प लेगी और यथार्थ के साथ चलेगी उस दिन परिवर्तन होगा। आज भारत 12 लाख प्रति व्यक्ति के संसाधन का भारत है और जनता मर रही है, जनता रोजगार के लिए मर रही है और रोजगार का जो नशा दिया है। सरकारी नीतियां इस देश में जो बनी हैं उससे आप संतुष्ट हैं? सरकारी नीतियां कुछ है ही नहीं है। सारी नीतियां जनता को कैसे लूटें? सारे अधिकारी, सारे नेता, सारे विधायक 24 घंटे इस व्यवस्था में लगे रहते हैं कि किस प्रकार कोई नेता कभी राज्य का, कभी जनता की चिंता नहीं करता, कभी गर्मी की चिंता नहीं करता, कभी प्रदूषण की चिंता नहीं करता। वो रात दिन इस चिंता में अधिकारी और नेता लगे रहते हैं कि कैसे ऐठें, जनता का माल कैसे ऐठें। रात दिन यही सी व्यवस्था में सारे नेता लगे रहते हैं। ऑल आर डकैत एंड फ्रॉड। आप इनकी बात से सहमत हैं? किनकी बात से? हमारी पार्टी जनता राज बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार। आप महोदय ने बिना चुनाव के जनतंत्र वाली पार्टी उधर ले जा रही है। बताएं। जो इन्होंने सबसे बड़ा बड़ा मुद्दा इन्होंने बताया, लोकतंत्र में चाहे आपके बच्चे हो, चाहे मेरे बच्चे हो, चाहे पूरे जनता के किसी के बच्चे हो, वो पढ़ता लिखता है इसीलिए कि वो पढ़े लिखेगा तो अपने माँ बाप का एक सपना साकार करेगा। इस बार जो चुनावी मुद्दा क्या रहेगा, कौन भारी रहेगा इस बार? इस बार गठबंधन तो भारी नहीं, बहुत भारी है। ये तो केवल लाली पाप जिसको कहा जा रहा है, इसको तो केवल शिक्षा मित्र जितने हैं,
ये इसी को भर देंगे, गठबंधन नहीं भर देगा। ये जितना बेरोजगार है ना, यही भर देंगे गठबंधन को। गठबंधन तो बाक है, सरकार से ये लोग दुखी हैं। सरकार से तो ये नहीं दुखी हैं, यहाँ के जीव जंतु दुखी हैं। सारे सांड जो जी जो मर रहे, ये आप पत्रकार महोदय, ये सांड बच ये कचहरी में घूमने क्या काटा है? नहीं ये बता दीजिए मुझे कि पूरे जनता लोग खड़ी है। चलिए आपके हिसाब से गाय गोरु जो घूम रहे हैं वो पहले नहीं घूमते थे सड़कों पे, आप ज्यादा घूम रहे हैं? नहीं पहले तो घूमते थे, लेकिन किसी जो कमाई किसान खेत में कर रहा है, जाकर के देखिए ना, कम से कम रात में जो आदमी रात सोने के लिए बनी जागने के लिए, एक चीज पत्रकार मुझे बताइए, रात सोने के लिए जागने के लिए? नहीं हमें एक चीज बताइए, आपकी ही बात का जवाब दे रहा हूँ। आप मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, पूछिए। कुछ लोग रात में भी काम करते हैं, कुछ लोग दिन में भी काम करते हैं, जिनकी नाइट शिफ्ट होती है वो रात में भी अच्छा काम करते हैं। तो ये कारखाना नहीं है, किसान कारखाना नहीं है, न भट्टी है। ये किसान जो है कि मेहनत कस आदमी है, दिन भर खेत में दिन भर मजदूरी करता है, रात में सोना चाहता है मन सहन की कम से कम 8 घंटे सो ले। लेकिन इस जानवर ने तो क्या कर दिया कि जो है कि इधर से सो करके इधर अभी जाग रहे हैं, तब ले पीछे से आकर के दस खा रहे हैं। अरे क्या तमाशा कर दिया योगी मोदी। अरे मत जनता को भैया जो है कि इनकी व्यवस्था कर दो, तुम वोट ले लो कुल, इनकी व्यवस्था कर दो। हमारे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश मेरा नाम है। कमलेश क्या मुद्दे रहेंगे गाजीपुर? देखिए मुद्दे तो यहाँ पे भ्रष्टाचार और बेरोजगारी तमाम मुद्दे यहाँ पे हैं। सबसे बड़ी बात मैं गाजीपुर के लिए बहुत दुखद है कि यहाँ पे जिला अस्पताल में चिकित्सकों के न रहने से, डॉक्टरों के न रहने से गाजीपुर की इतनी दुर्दशा खराब है। इस पर जो भी नेता, जो मंत्री, विधायक जो भी हैं, इस पर किसी का ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है। गाजीपुर की गरीबी जनता को कोई इलाज नहीं हो पा रही है। अगर किसी को शॉट गन आ जाता है तो उसको वाराणसी भेजना पड़ता है और रास्ते में जाते जाते उसकी मौत हो जाती है। जी ये इनका कहने का मतलब है कि गाजीपुर का जो जिला अस्पताल है वहाँ पे सरकारी जो मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है, वो यहाँ पर रेफरल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। इसी बारे में हम बात करते हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं देखिए जिला पंचायत सदस्य हैं। शुभ नाम क्या आपका? सुभाष राम। सुभाष जी क्या लग रहा है, जनता का मिजाज क्या है, किन मुद्दों पर चुनाव होना है? देखिए कोई भी जो चुनाव होता है, जो पिछली सरकार होती है वो किसी न किसी मुद्दे पर सत्ता में आई है, उस मुद्दे से सरकार जो है उस मुद्दे को एकदम छोड़ दिया है सरकार ने। जो वादे थे, जो उनके काम थे, उस नाकामी को छोड़ करके ये जो है केवल धर्म की बात करना, जाति की बात करना, संप्रदाय की बात करना, इनके अलावा कोई विकास के मुद्दे की बातें नहीं करनी है। अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से किसके बीच में लड़ाई देखते हैं आप? लड़ाई हमारी किसी से नहीं है, इसलिए लड़ाई नहीं है। उसका कारण ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप किसी दल के सपोर्टर हैं? दल के साथ साथ मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरा अधिकार है लोकतंत्र के अंतर्गत। अगर कोई शासन सत्ता में आए झूठ बोल करके और जनता के साथ झूठा वादा करके और विकास का ढिंढोरा पीटेंगे तो फिर जनता जो है जवाब सवाल खड़ा करेगी कि आपने कहा था कि मैं 10 करोड़ नौकरी दूंगा, अभी तो MLC साहब 2 करोड़ बता रहे थे, प्रतिवर्ष 2 करोड़ मिला के 10 करोड़। आपने कहा था कि काला धन नहीं आएगा तो 100 दिन में मैं झोला उठा के बाहर भाग जाऊँगा। आपने कहा था कि 370 को ख़त्म करूंगा। आपने कहा था आपके एजेंडे में जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है राम जन्मभूमि का मामला है वो होगा। आपने कहा सुभाष जी के अनुसार सरकार ने जो वादे किए वो वादे उसने पूरे नहीं किए और सरकार ने ये जो सारी बातें कही थी वो झूठ साबित हुई। सुभाष जी से एक सवाल और है कि सुभाष जी जो नीतियाँ सरकार द्वारा बनाई गई हैं वो नीतियाँ क्या जनता के लिए उपयोगी हैं? देखिए सरकार की नीतियां तो बनती हैं, उसको अप्लीमेंट करना, उसको लागू करना ये जरूरी चीज़ें होती हैं, वो लागू नहीं हो पाई। क्या बेरोजगारों को रोज़गार मिला? क्या महंगाई कम हुई? जो 600 रुपया टाली बालू सफ़ेद मिलता था वो 3000 रुपया मनमोहन सिंह की सरकार में 600 रुपये प्रति टाली बालू मिलता था, आज 3000 रुपया बालू है। तमाम महंगाई बढ़ी है, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा है, खाद्यान्न का दाम बढ़ा है। लेकिन इस बार तो महंगाई का मुद्दा रहा ही नहीं, इस बार तो सिर्फ मोदी लाओ और मोदी हटाओ का नारा लग रहा है।
नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जनता फैसला करेगी। अगर उन्होंने वादे पर खड़े उतरे होंगे तो जनता पुनः लाएगी, अगर ये झूठा वादा होगा तो जनता इस बार फैसला ले ली है। इस बार मुद्दा का है, गरीबों की सारी योजनाएं बंद कर दिया इन्होंने, गरीब जो है कि इनको हटाने के लिए तैयार है, मुद्दा एक है। ये तो कहते हैं कि 7 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गैस की योजना मिली और तमाम चिकित्सकीय सुविधाएं इन्होंने 5 लाख तक की दी, और आप कह रहे हैं कि अरे चिकित्सकीय सुविधाएं का तो इसके पहले जो है कि यानी जिस योजना का घोटाला हुआ उसी योजना को ये चला रहे हैं। ये जो चिकित्सीय इसके पहले जो है कि जो योजना थी, ये तमाम डॉक्टर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर लोग जेल गए, उसी योजना को सुविधा बता रहे हैं, और घोटाला फिर होगा, फिर जाएंगे लोग जेल। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद इरफान खान है। इरफान, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए मुद्दा तो सबसे जो प्राइमरी है एजुकेशन का है। बलिया गाजीपुर की तहसील थी, वहाँ जो है विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है, यहाँ गाजीपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई, जिससे युवाओं के लिए एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बहुत परेशानी है, खास करके छात्राओं के लिए। यहाँ से बनारस और इलाहाबाद जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, यहाँ इन लोगों को जाना पड़ता है। तो फर्स्ट जो है पढ़ाई की जो है, उसके बाद शिक्षा के बाद जो है आपका हेल्थ भी वही है। लोग कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है, अरे जो सही है वही तो, उसी को तो सही करिए। सरकार दावा करती है कि 50 साल में जो काम नहीं हुआ वो 5 साल में हमने कर दिया, ये इसको किस निगाह से देखते हैं? ये गलत। अगर 50 साल में अगर काम नहीं हुआ होता तो फिर आप जो है वो हेलीकॉप्टर से घूमते हैं आप क्या? आपने 5 साल में बनाया क्या? आपने 5 साल में हेलीकॉप्टर बना लिया? आपने एयरपोर्ट 5 साल में बना लिए? आपने INS विराट 5 साल में बनाया क्या? ये सब कहने की बातें हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। आप अच्छा करिए और करके दिखाइए कि हाँ मैंने ये किया है, लोगों को बेहतर करिए, जुमला मत बनाइए। जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, गरीबों से मिलेंगे, जो माउथ टू हैंड लोग हैं, जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, उनसे ज़रा पूछिए आप, पता क्या लगता है इस सरकार ने उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ दिखावा है। आप उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, आप चलिए देखिए कितने लोग रिफिलिंग करा रहे हैं, कितने लोग रिफिलिंग करा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना में डॉक्टर जो है एस्टिमेट बना करके और प्राइवेट हॉस्पिटल वाले सारे पैसे ले ले रहे हैं, 1 लाख का इलाज 5 लाख का एस्टिमेट बना करके 4 लाख का, और जो है उस गरीब को कुछ नहीं मिल पा रहा है वो ले ले रहे हैं, भ्रष्टाचार एक नंबर। हमारे साथ इरफान थे, इनका कहना था कि योजनाएं बन रही हैं लेकिन सतही स्तर पर पहुँच नहीं पा रही हैं, भ्रष्टाचार ज़्यादा है। हमारे साथ एक वरिष्ठ एडवोकेट हैं। नाम क्या है? गौतम मिश्रा। मिश्रा जी क्या लगता है? देखिए इस बार का चुनावी मुद्दा जो है बेरोजगारी, महंगाई, और यह बिल्कुल जिस तरह से 2014 में मोदी जी ने अपनी बातों को रखा था, जो मैनिफेस्टो जारी किए थे, बिल्कुल उन्हीं के मैनिफेस्टो को उठा कर देख लो, किसी पर उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया कोई उनका, वो जुमले बाजू की सरकार रह गई है, जितना भी झूठा होता है वो बोल लेते हैं, मन से मुद्दों को, गलत मुद्दों को हवा दे लेते हैं। जनता आक्रोशित है, पूरी तरह आकर्षित है। मनोज सिन्हा ने जो यहाँ पे विकास किया या उसका जो दावा कर रहे हैं, क्या लगता है जमीनी स्तर पर उसकी हकीकत क्या है? देखिए मनोज सिन्हा जी ने जो विकास किया, यह जिले का प्रथम जो है मंत्री हुए वो जिले में, और एक मंत्री के नाते BSNL का विकास कहाँ किया उन्होंने? BSNL तो कपड़ा एकदम ले डूबे, BSNL को उसका लाभ कहाँ दिया उन्होंने? अमीरों को जहाँ आरोपित हो रहा है कि भाई अनिल अंबानी को या किसी को भी, तमाम जियो एयरटेल सब भरते चले गए, लेकिन BSNL भी तो उन्हीं के मंत्रालय में आता है। तो उन्होंने क्या कोई विकास किया? नहीं, रेलवे जो रेलवे का काम है यहाँ पर, पहले से भी रेलवे बनी हुई थी, हाँ उसका मरम्मतकरण का काम किया उन्होंने, मरम्मत किया तो वो तो कोई भी आता तो काम करता है, लेकिन जनता संपर्क का मनोज सिन्हा जी ने जो भी कार्य किया स्थानीय स्तर पर, वो जातिगत मतभेद को बढ़ाया, विद्रोह को बढ़ाया, उन्होंने जातिगत मतभेद और विद्रोह को बढ़ाया देहातों में लोगों के लिए। देखिए किसी एक वर्ग विशेष का कार्य उन्होंने किया, चाहे जिस पैमाने पर या जैसे भी, लेकिन इसके अलावा बाकी पूरी जनता जिले की उनसे नाराज है। मिश्रा जी ने मनोज सिन्हा के ऊपर एक आरोप लगाया है, इस आरोप का जवाब हम कुछ और लोगों से लेते हैं। आइए चलते हैं, कुछ लोग बैठे हैं उनसे भी बात करते हैं। हम कचहरी में ही हैं और इस वक्त एक बावन दास हैं यहाँ के, बहुत ही पुराने पान लगाने वाले हैं और बड़ा ही स्वादिष्ट पान लोगों को लगाते हैं, पूरा चूना खिला के।
बावन जी। जी सर, अपना पूरा परिचय दें। मैं कृष्ण कुमार चौरसिया उर्फ बावन के नाम से जाना जाता हूँ। बावन जी, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? विकास मुद्दा है। गठबंधन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि मनोज सिन्हा जो यहाँ से सांसद हैं उनके ऊपर आरोप लगाया कि एक जाति विशेष का ही काम किया है और किसी का काम नहीं किया, क्या कहेंगे इस पर? जो जात की राजनीति करता है स्वयं उतना ही सोच पैदा करता है। सबका साथ सबका विकास नारा है हमारे प्रधानमंत्री का। तो क्या लगता है मनोज सिन्हा ने यहाँ पे कुछ विकास किया है? विकास की बातें करते हैं, विकास दिखाई दे रहा है, लोग बता भी रहे हैं, आके देख ले गठबंधन के लोग कितना विकास हुआ है। आपको क्या लगता है इस सरकार में विकास हुआ है? बहुत ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा। आपका नाम? जीवत सिंह। जीवत जी, जी क्या मुद्दा रहेगा इस बार? राष्ट्र प्रेम ही रहेगा, राष्ट्र और विकास, गाजीपुर में खास करके तो विकास तो मेन मुद्दा है। अभी लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो कोई विकास ही नहीं हुआ है। ये तो जातिवाद के लोग, राजनीति करने वाले लोग इस बात को कर रहे हैं, और बाकी लोग तो जितने हैं गाजीपुर में, हमको लग रहा है कि अधिकांश जाति जो है विकास के नाम पर वोट देने जा रही है, और विकास ही गाजीपुर का मेन मुद्दा है। कुछ युवा यहाँ मिले थे, उनका कहना है कि रोजगार की एक बड़ी समस्या है यहाँ। नहीं देखिए, सब लोग नहीं कर रहे हैं, कुछ खास विशेष लोग कर रहे हैं, सब लोगों के मन में भावना नहीं है। मतलब इनकी जो मोदी जी का जो योजना है इसके काफ़ी लोग प्रभावित हैं, जैसे मुद्रा योजना हुआ, इससे बहुत अच्छे मतलब इसको विकास के प्रति है, नौजवानों का झुकाव भी है, और मुझे पूरा उम्मीद है, यकीन है कि मनोज सिन्हा बहुत अच्छा खासा मतों से विजय प्राप्त करेंगे। आपने देखा कि तमाम लोग मिले, विभिन्न प्रकार के उनके मत हैं अपने अपने। अभी हम और लोगों से बात करेंगे, आइए देखते हैं लोग और क्या कहते हैं, गाजीपुर का मिजाज क्या है जानते हैं। सर, हाँ सर, बालेश्वर वर्मा। बालेश्वर जी, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? चुनाव में जी, चुनाव में विकास और बाहुबल से मुक्ति। सर आप पान खाने वाले हैं, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, थोड़ा ऊपर अगर कैमरे की तरफ देखेंगे तो और अच्छा चलेगा। हाँ, तो क्या कह रहे थे सर? मैं कह रहा था कि इस वक्त गाजीपुर का जो मुद्दा है वो तो विकास है और या बाहुबल। तो कौन जीतेगा? विकास जीतेगा, इसमें विकास के जीतने में बहुत सारी बहस हो रही है। हम एक उदाहरण देंगे आज, और हिंदुस्तान के इतिहास का वो पन्ना जिसे महाभारत कहते हैं, 5 पांडव थे और 100, हम लोगों को यही पता है ना कि गिनती में 100 कौरव थे, 5 पांडव, और उस वक्त के जो भगवान थे वो श्री कृष्ण थे, और वो पांडवों के साथ थे बाय द वे, जो हम लोगों को पता है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी वोट बैंक के चलते कोई मनोज सिन्हा की विजय को रोक देगा। बहुत कांटे की लड़ाई है गाजीपुर की, आपने देखा होगा कि कुछ लोग गठबंधन के साथ हैं तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। गाजीपुर की अगर लोकसभा की आप पूरी आंकड़े बताऊं तो 18,67,712 मत हैं, जिसमें जातिगत आंकड़ों को देखें तो महागठबंधन के लोग ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी यहां से बसपा टिकट पाई हुई है, और यहां पर किसको वोट जनता 19 तारीख को करने जा रही है ये हम 23 तारीख को पता चलेगा। चौपाल में विनय कुमार सिंह, गाजीपुर।